afternoon, everyone is present. Tanika, Tanika, Preet, Abhi, Kartik, Vikas, Jagendra. Good afternoon, beta. Rahul. Okay.
क्वेश्चन लिख बेटा, आपको क्वेश्चन लिखवा दो। कल की क्लास में आप कहाँ मिस थे? कल की क्लास थी जो आपकी यस्टरडे क्लास में थी, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन पुट कर दिए थे होमवर्क में, है ना? ऐसे होमवर्क मैंने आपको बता दिया था एंड फोर्थ क्वेश्चन तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एंड जो आगे जो सिक्स क्वेश्चन है वो आपका एसडब्ल्यू में मेंशन करवाएगा, ठीक है? अगेन देखो बेटा, 2.5 में है क्वेश्चन, आपको नियरेस्ट नंबर डेल्टा होगा, और 10 नियरेस्ट 10 बोल रहे हैं क्वेश्चन में।
जो आपका नंबर है नियरेस्ट 10 शो करना है। तो नियरेस्ट 10 कहाँ होगा बेटा? जो 10 से डिवाइडेड होगा, जो भी नंबर आपके पास में वो 10 से डिवाइडेड होने वाले ही नंबर आपके नियरेस्ट होंगे। एक है बेटा 16, एक जस्ट इससे नंबर से आता है 7। ओके, 8 ही बहुत आगे हो जाता है, 18 ही ले से। ओके, इतना समझ में आ रहा ना? आगे देखो, 63 के नियरेस्ट कौन है? 60 है या फिर 70 है, ये बता दो, ये बताओ। 60 है या फिर 70 है, नियरेस्ट कौन है इसकी? 60, जोगेंद्र, वेरी गुड बेटा। तो 60 है ना, तो बेटा इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा? 60। नियरेस्ट मतलब पास पास में। ओके, जैसे आपके पास आप बैठे हो तो आपके पास मम्मा आपके दो कदम पे, मतलब एक हाथ के पर आपकी मम्मा बैठी है और आपके पापा गेट के पास बैठे हैं, ठीक है? तो आपके नियरेस्ट कौन है? आपकी मम्मा है ना, तो नियरेस्ट मम्मा हुई। तो कम लेंथ में हुई तो मम्मा। ओके, तो यही आपका नियरेस्ट पॉइंट है। ओके, समझ में आया नियरेस्ट नंबर निकालना? ओके, शो कर सकते हो ना? ओके, सेम है, देखो नियरेस्ट 10 और कंप्लीट नियरेस्ट 1000। सॉरी, पहले एक और क्वेश्चन एक्चुअली कर देती हूँ। 78 नियरेस्ट 10 नंबर शो करो। नियरेस्ट 10 नंबर, ओके, एक आपके पास नंबर है 70, ओके, अगेन है 80। तो आपके नियरेस्ट नंबर मैं क्या शो करूं ये बताओ, आंसर मेरे को रिप्लाई कर दो। अगर आपको समझ में आ गया तो कनिका, नहीं बेटा 78 है यहाँ पे, ये 70 है और ये 80 है। ओके, नियरेस्ट मतलब बिल्कुल पास में, जहाँ पे आपकी लेंथ जो ज्यादा डिस्टेंस ना हो, कम डिस्टेंस पे। 80, वेरी गुड, बिकॉज 78 में आप 2 प्लस कर दोगे तो 80 पे आ जाओगे ना, ठीक है? और 70 से पहले कहाँ आओगे? 8 नंबर लेस करोगे तो 70 पे आओगे। ज्यादा लेंथ है नहीं यहाँ से यहाँ तक, है ना? समझ में आया? जी हाँ। ओके, वेरी गुड बेटा अमन, वेरी गुड। ओके, सेम है, आपको नियरेस्ट 1000 पता है। नियरेस्ट 1000, फॉर एग्जांपल 166 नियरेस्ट नंबर आपको शो करना है। नियरेस्ट 1 हेड्रन बोल रही हूँ मैं, 10 ही बोल रही हूँ, 1 हेड्रन बोल रही हूँ। 1 हेड्रन से डिवाइड होगा ना, देखो 1 हेड्रन से 1 हेड्रन डिवाइड होगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाली जो हेड्रन वाली जो नंबर है वो आती है 1 हेड्रन, और अगेन जो आती है नंबर वो आती है 2 हेड्रन, है ना? सबको आप पता है ना, 300 तो बहुत आगे चली जाती है, 4 and 5 and 10 वो आगे चली जाती है। आप यहाँ पे देखो 100 से लेस इसकी कम है या ज्यादा है ये बता दो, एंड 200 से ये कम है या ज्यादा है ये बता दो। अमन, वेरी गुड, आपको समझ में आया? राजीव, तानिका, कनिका, समझ में आएगा ना बेटा? अंशु, प्रीत, नहीं आया? ओके, देखो बेटा 100 तक जाने के लिए इसको 66 नंबर चाहिए। ओके, लेस करनी है ना, एंड इधर देखो इसकी लेंथ, आप लेस करो या ना करो आपको ये पता है 66 जो लेंथ होती है ना बेटा वो प्लस एंड नेगेटिव में मेंशन
टेंशन नहीं होती है, ओके? आपको 200 तक जाने के लिए कितने नंबर चाहिए? 44, ओके। अब ये बता दो कम कौन सा है, मेरे को ये बोलो। जो कम लेंथ है, जो डिस्टेंस आपकी, वो कौन सी है? ये वाली। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ आपके पास? ये वाला। 200। समझ में आया कनिका? ओके, कोई बात नहीं, आप 200 राइट कर रहे थे। जो कहते समझ में नहीं आया आपके, 160 एक आप नंबर ले रहे हो, ओके। इससे नियरेस्ट नियरेस्ट 100 तक हमें मेंशन करना है, तो नियरेस्ट नंबर आपका एक तो बनता है 100 एंड नेक्स्ट बनता है 200, ओके। तो यहाँ देखो आपकी 166 की लेंथ कितनी है, कितने बीच में नंबर आ रहे हैं? 66, ठीक है। अगेन देखो 166 से 200 तक कितने नंबर मेंशन कर रहे हैं, आने के लिए कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे, सबट्रैक्ट करने के पड़ेंगे ताकि ये 200 तक आ जाए। तो इनकी लेंथ कितनी है? 44, ओके। अगेन देखो 66 ग्रेट है या 44 ग्रेट है, हमें क्या चाहिए? कम लेंथ वाली, नियरेस्ट नंबर। नियरेस्ट नंबर का मीन होता है बिल्कुल कम, ओके। पास वाली, नियरेस्ट मतलब पास, नियर नहीं बोलते हिंदी में, नियर तो पास वाला, तो पास वाला ही बोल सकेगी है, ओके। एक शॉप आपके पास में, दूसरी शॉप आपको 4 गली दूर है, तो आप कौन सी शॉप पे जाओगे? जो आपके पास में है वही तो जाओगे, नियर शॉप भी तो जाओगे, तो आप उसको सही कैसे करोगे? नियर शॉप, ओके। समझ में आ गया ना? और अगेन देखो बेटा, सब बच्चों को समझ में आ गया? अगेन एग्जांपल आप बताना, 144 नियरेस्ट नंबर एक आपके पास मेंशन कर रहे हैं, हमें ये बता दो नियरेस्ट नंबर कौन सा है, उसमें मैं मेंशन कर दूं। रिप्लाई करो, पहले देखो आपके पास वाला कौन सा है, 100 है या फिर 200 है? कार्तिका, ये वाला, ओके, वेरी गुड। प्रीत, ओके, 100। राहुल, राजी, नहीं बेटा 200 नहीं आएगा, 144 है ये, 144 है। तो बेटा आपके पास क्या है, जो 100 वाला है वो आपके पास है ना, और जो 200 वाला है वो आपसे दूर है, बिकॉज आपको एड यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा, 44 एंड यहाँ पे, ओके राजीव, दिख गया मुझे 100 राइट आंसर। अगेन जो है 144 से 200 तक जाने के लिए 66, तो आपको लेंथ कम कहाँ मिल रही है? ये वाली, ओके। दिया अमन, वेरी गुड। हाँ राजीव, मेरे को आंसर दिख गया है, 100 है। अगेन देखो जस्ट ऐसे ही आपको क्या करना है, 1000 नियरेस्ट नंबर है आपका, 1000। आप 1000 भी कर सकते हो, अगर आपको नियरेस्ट वाला नंबर आपको समझ में आ गया है तो आप 1000 भी कर सकते हो, 10000 भी कर सकते हो एंड 1 लाख तक आप कर सकते हो। काउंटिंग आती है, काउंटिंग से आप कर सकते हो, है ना? 1000 तक करना है आपको, पहला नंबर मिलता है 1264,
अमन वेरी गुड। राजीव 1000 ओके 1000। हाँ बेटा आपको करना है राहुल, पहले ये बता मेरे को कौन सा नियरेस्ट नंबर है। 1000 विशाल वेरी गुड। राघव ओके। कनिका ओके बेटा। योगेंद्र ओके। राजीव दिख गए मुझे 1000। ओके समझ में आ गया ना आपके। सिमिलरली आपको नियरेस्ट नंबर ये है तो आपको इस वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1869 में भी रिप्लाई करो नियरेस्ट नंबर कौन सा है ये बता दो। आप नियरेस्ट नंबर के बारे में समझ गए हो तो बता दो। अनिका हर्तिका अमन वेरी गुड बेटा 2000 ओके। दीपेंद्र ओके बेटा ओके। राजीव समझ में आ गया सब बच्चों के नियरेस्ट नंबर क्या है क्या नहीं है। अगेन से समझ लिए हैं क्योंकि आप एक्सरसाइज नंबर 1.6 में आप पहले ही समझ चुके भी थे। अगेन मैं समझा चुकी हूँ ओके। आगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बेटा नियरेस्ट है आपके 53। आप देखो ऐड करके भी कर सकते हो नियरेस्ट नंबर निकालने के लिए। यहाँ पे देखो 53 ऐड कर रहा है 26 से। पहले यहाँ पे देखो ऐड करोगे 3 + 3 + 6 = 9 से 5 + 7 5 + 2 = 7 ओके। 7 का नियरेस्ट नंबर 79 का नियरेस्ट नंबर ये बता दो कौन सा है। एक तो है आपके पास इससे जस्ट नियरेस्ट 10 है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 ओके। अगेन है आपके पास एक अब ये बता दो ऐड कर इस टाइप से हम सीखेंगे नहीं। इस टाइप से बता दो आप टाइप 79 के नियरेस्ट नंबर। कनिका वेरी गुड वेरी गुड। विकास अमन ओके। दीपेंद्र 700 नहीं है बेटा ये 70 है ओके ना। 79 की नियरेस्ट नंबर पूछी हूँ एक तो है 70 एंड अगेन है 80 नियरेस्ट नंबर ओके। राजीव 80 है। दीपेंद्र 70 नहीं आया बेटा 70 से आगे जाने के लिए आपको 9 नंबर ऐड है यहाँ पे। 9 नंबर तक आपको लेंथ क्रॉस करनी
आप नियरेस्ट नंबर देख लेना। एक और नियरेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, 53 के नियरेस्ट कौन है ये बता दो मेरे को। 53 के नियरेस्ट है बेटा एक तो है 50, ओके। एंड अगेन नंबर क्या है 60, तो ये बता दो नियरेस्ट नंबर कौन सा है 53 के। 53 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है, कहीं का 58 नहीं बेटा, 53 की नियरेस्ट 50 और 60 दो ही नंबर होंगे ना, 10 से डिवाइड कर, 10 से डिवाइड होने वाले। प्रीत ओके बेटा, अमन ओके, 50 नियरेस्ट 10 पूछिए तो 10 से डिवाइड होने वाले, नियरेस्ट 100 पूछिए तो 100 से डिवाइड होने वाले, ओके ओके। अगेन 50 एंड अगेन देखो 26 के नियरेस्ट कौन सा है, एक है 20, ओके। एंड अगेन क्या आता है नंबर 30, अब नियरेस्ट कौन सा है ये बता दो। 26 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है डिपेंड, नहीं बेटा 20 नहीं है, 20 तक चलने के लिए इसको कहाँ तक चलना पड़ेगा 6 नंबर, और 30 तक चलने के लिए 4 नंबर, तो कम कौन सा है आपके पास, लेस कौन सा है आपके पास, 4। 4 किसके लिए है आपके पास, 30 तक चलने के लिए। आप स्कूल स्कूल में दो सीढ़ियां चढ़ोगे, ओके, दो सीढ़ियों पे आपको अपनी क्लासरूम में, ओके। अगेन आपको चलना है 10, जो आपकी सीढ़ी है 10 सीढ़ी चढ़ने पर ही आपकी क्लास है, तो आप क्या कहोगे, नहीं सर मुझे तो 2 सीढ़ी चढ़ के क्या आपको क्लास में लेना है ना, समझ गए। तो आपके पास में कौन सी पड़ी, 2 सीढ़ी वाली, ओके। 10 सीढ़ी तक चढ़ोगे इतने में आपको आपकी क्लास भी मिस हो जाएगी और आप लेट भी पहुंचोगे थकते थकते, तो ये काम है आपको, ओके समझ गए, ओके। आप देखो जो नियरेस्ट है उनको ऐड कर दो, 50 प्लस 30 इक्वल टू 80, ये ही आपका नियरेस्ट नंबर था एंड इसमें भी नियरेस्ट नंबर है। 2 टाइप से समझ में आ गया सब बच्चों को, क्या तो डायरेक्टली आप ऐड करके कर लो नियरेस्ट नंबर निकाल लो, या फिर आप ऐसे निकालो एक एक नंबर का, जो आपके पास बड़ी जो नंबर आ जाए तो आप ऐसे एक एक नंबर का निकाल लेना ना, समझ में आ रहा है ना। दोनों आप टाइप से जो राइट कर लो, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 में जो क्वेश्चन है 6 में SW की एस ए SW में आपको राइट करवा रही हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ना, कितने आप ये राइट करो मैं SW डाल दूँ। ये फर्स्ट टाइप है आपका एंड सेकंड टाइप है, ओके। आप किसी भी टाइप से आप राइट कर सकते हो, बेस्ट क्या की दो SW देखो आपका फर्स्ट है आपका, फर्स्ट आपने कर लिया है, मैं सेकंड करा रही हूँ। 22 प्लस 61 नियरेस्ट 10, ओके नियरेस्ट 10। मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख पा रही हूँ आपको, ओनली समझाने के लिए है नियरेस्ट 10, ओके। नंबर फाइंड करनी है आपको, सेकंड है आपका 65 प्लस 56 एंड थर्ड है आपका 73 प्लस 46, अगेन है आपका फोर्थ नंबर पे
29 and 7 नंबर पे है आपका। सेवन नंबर पे 23 + 46। ओके करो, डन करो बेटा। जिस साइड से आप राइट कर चुके हो तो मैं अब कर रही हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। समझ में आ गया सब?
25 है, इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है? एक तो है 17 एंड एक है आपका 18। ओके, इससे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सेम सेम है, 5 नंबर आगे है, 5 नंबर पीछे, तो इक्वल पोजीशन पे आ गई। आप यहाँ पे देख लो डायरेक्टली, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 110 एंड अगेन ये है 120। नियरेस्ट कौन सा है बेटा आपके पास? 120 है ना, 116 से 120 पास में है, क्योंकि यहाँ पे आपको ओनली 4 नंबर ही चलना होगा। 110 तक चलने के लिए आपको 6 नंबर चाहिए, तो आपका नेक्स्ट नंबर आपका 120 है। ओके, दैट मींस आपको जब इक्वल वाली पोजीशन आ जाए ना बेटा, इक्वल वाली जो 75 है तो 5 में 5 नंबर इधर चलो, 5 नंबर चलो उधर चलो, दोनों में इक्वल पोजीशन आ गई, लेंथ तो इक्वल आ गई ना। इक्वल में क्या करना पड़ेगा, जो आपका अगेन वाला 75 से अगेन वाला जो नंबर है ना, वो आपको पहले राइट करना है। ये पोजीशन कब लगेगी? जब आपकी लेंथ दोनों साइड इक्वल इक्वल हो, समझ में आ रहा है ना? इक्वल होगा तो भी आगे वाला नंबर हम मेंशन करेंगे, इसको 70 को भी नियरेस्ट ले सकते हैं क्योंकि ये भी